सुवर्णरेखा नदी उपरे मुंडरे प्रबल पानी प्रभावित होता बेले एवं तलिया अंचल में बन्या देखाई जलेश्वर राजघाट जलस्तर विपद संकेत 10.36 मीटर रही बेले एवं जलस्तर 11 मीटर उपरे प्रभावित होता जमापड़ बन्या जल बालियापाला ब्लक 5टी पंचायत विष्णुपुर अस्थि मधुपुरा बालियापाल जामकुंडा आदि गाँव में प्रवेश कर प्रकाश महांती आम बालेश्वर प्रतिनिधि अच्छा अधिक सूचना पर प्रकाश बालेश्वर वर्तमान बन्यार स्थिति कौन क्यों क्यों अंचल जलमग्न एवं लोकों लोके समस्या ना तो लोकों पर प्रशासन सब व्यवस्था कर तो बन्या समय मुकाबला करने देखो तो अपूर्व जो कथा पचारा जाए कि जो सुवर्णरेखा जो बनाया होता है पूर्व आप जानता लघुचाप जनता वर्षा कारण गाँव बालेश्वर जिलार बस्ता भोगरे जलेश्वर और बालियापाला अंचल विभिन्न जो गाँ रही से गाँ गुड़िकर पानी भरिकी रही है और तापर्त समय जिते ऊपर चांदिली डैम पा छाड़ला तो परवर्त समय जानता सुवर्णरेखार जलस्तर धीरे धीरे वृद्धि पाला जाए कि विपद संकेत 10.36 बर्तमान था 11 मीटर उपर बर्तमान प्रवाहित होमें बर्तमान देखू अपूर्व आम जो बालियापाला ब्लकर जो गाँ गुड़िक कौच तल बालियापाल सुंगमुआ विष्णुपुर रसलपुर नयाबाली इकड़पाल और आरुआवृत्ति सब गाँव में ये जो मुख्य रास्ता आप देखुं ये मुख्य रास्ता पर आप देखु आंठुए आंठुए पानी अंटे अंटे पानी बर्तमान लोक आम जो लोक मैंने जोाजोग विच्छिन्न अच्छा जो अगर गाँव लोक मैंने जोाजोग विच्छिन्न से सहित जोाजोग करने चाहूँ कितु पानी सु आप देखिपे जो भाई अभी अधिक रही तो एठ कौन प्रकार जीवाटा गोटे प्रकार विपद को डाक सहित सामान तो तेणुक जो कथा कहले कि जिला प्रशासन पक्षर कौन व्यवस्था करवल आम जहाँ आम पाखे खबर अच्छी जिला प्रशासन पक्षर तहसिलदार और बी डी आसी परवर्त समय एम को केवल उच्च स्थान को जीवाई डाकवाजी अंतर्जन साकी जहाँ शुणा को मिली कि नहीं कि आउ कौन सब व्यवस्था कराई लोक मान इवाकुएसन करें कि ना तो से संपर्क में बर्तमान कौन सी सूचना ना तेणुक आम जो लोक मैंने आसुच्चान प्रतिज्ञा ना आज्ञा आपंकर कौन केमी व्यवस्था सब प्रशासन पक्षर कर उच्च स्थान को ना डा ये करवा कि अन्न्य सामग्री दवा कि कौन सब व्यवस्था कर बनापी देखा जाओ जो गत बनिया गला से तो किसी कर बड़ बनिया ए बड़ बनिया भी किसी भी करना आम टीका आगु देखुलू आप आसते मत लगुच बनिया पा उपभोग करने आसते लोकों हितपी आसी ना आसिले पलैले आमर किसी मीडिया भाई थे कहते कि प्रतिक्रिया नापी चाहूल कि शुणिले जमी आसे सेमती पलैले एटी जमी सुअ पड़ी आप देखिपे केमी लोक आसे पावर बुट्र व्यवस्था ना जोटा कि सरकार आमपाई केवल ये बनापी ही पावर बुट रही कितु ता कम को आसूना बनिया कालीठ बढ़िलानी पा आज भी बढ़िलानी एजाए भी गोटे पावर बुट देखा ना जो गोटे लोक भाषिज आप देखिपे केमी सुह जो गोटे लोक भाषिज केमी कौन उधार करेंगे तो मनीष मरला अवस्था अच्छी घर द्वार भितर पा पशिलानी अवस्था टोटाल तल बालियापाल सुंगम विष्णुपुर पूरा पानी घर भितर अच्छा विष्णुपुर तीन चारोटी गाँव पूरा पानी घर भितर अच्छा आउ से आम स्थानीय जो अच्छा युवनेता आज्ञा मार्केट जी विष्णुपुर आसे प्रशासन पक्ष उच्च स्थान को ना ना कि कहना कई आसी ना टोटाली कि लोक प्राय आम विष्णुपुर फुल पंचायत विष्णुपुर बालियापाल बढ़ी चल निश्चित अपूर्व देखुचे हूँ से जो तल बालियापाला अंचल और विष्णुपुर अंचल लोक मैंने जो मैंने आम जो जगह ठिया पाखापाखी लोक मैंने देखुं अंटे अंटे पानी में पशि आस जिला प्रशासन जो बी डी ओ तहसिलदार मैंने आसते लोक प्रतिक्रिया जैसे आसे केवल पा देखिक पलैले कौन प्रकार व्यवस्था करना से अगर जगह को स्थानातर करने जिला प्रशासन से कौ भाव सुरक्षित स्थान को नब से नहीं कौन व्यवस्था करना केवल केतक गाँव में जो तलिया अंचल गाँ अच्छी से गाँ मानक केवल डाकवाजी जंत्र साने पलै जावाई केवल कही क्या कहते गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ ये जो रास्ता आम ढाई तल बालियापाला रास्ता जो विष्णुपुर कथ आम कह तो ये रास्ता देखिए पाखापा 8-10 गाँव लोक मैंने जावास करती ये जो सुअ अच्छे आप देखी था अपूर्व ए सुअर प्रखर अधिक रही केवल जो पचेरी अच्छी तो से पचेरी जो पानी सुअटे कमी तथा लोक जावास कर पार्टी कितु एक पावर बोर्ड थी कथा से कहते कि पावर बोर्ड ये व्यवहार करना लोक मान को नवाण कौन प्रकार व्यवस्था जिला प्रशासन पक्षर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी जो अच्छे से पक्ष कौन प्रकार किसी करना आज लोक मैंने आसुच्च आज्ञा कौटू आसिले केते पा आगुक अच्छे केोक पा घर भर रही सुंगमुआ बालियापाल विष्णुपुर
ନୟାବାଲି ସବୁ ଗାଁ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଶାସନ ନିହାତି କହିସାରିଥିବ କି ଆପଣମାନେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ କି ନବା ଆଣିବା ପାଇଁ କରିଥିବ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ ନା? ନା 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 ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବନ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବୋଲି? ବନ୍ୟା ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିଛି, ପାଣି ଆସିଲା ଜାଣିଲେ ଆଗରୁ କାହିଁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? ନା କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି? ମୋ ଘର ଇକେଡ଼ପାଳ। କେତେ ବନ୍ୟା ହେଇଛି, କେତେ ପାଣି ହେଇଛି ସେଠି? ଆମେ ତ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିନି 5 ଦିନ ହେଲାନି। ଘର ପାଖରେ ପାଣି ଚାରିପଟେ ପୁଣି ଉପରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକମାନେ ସବୁ କ'ଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଖିଲ ଆଉ କିସ କରିବାକୁ। ହଁ ଅପୂର୍ବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଇକଡ଼ପାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତଳ ବାଲିଆପାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉନି। ତା ସହିତ ଇଏ ତ ଗଲା ବାଲିଆପାଳର କଥା, ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭୋଗରେ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଲି ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ କି ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତରୁ ପାଖାପାଖି 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯେଉଁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖାରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି ବାଲେଶ୍ୱର ଏ ଯେଉଁ ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ବସ୍ତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଏଥର ବନ୍ୟା ହେଉଛି ତ ଅଧିକା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ସତର୍କ କରାଇ ପ୍ରଶାସନ ନିଜ କାମ ସାରି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଇରାଣ ହରକତର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେତିକି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଯେତିକି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେହିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ନିଜେ ପାଣି ଭିତରେ ରହିବା ସହିତ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ପାଣିର ସ୍ତର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକେ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ।